वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल मूवीज लाइफ में। मैं हमिद फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं जो न्यू लुक आई है ब्लैक विडो की मूवी की, उसी पर हम ब्रेकडाउन करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए, बकबक को साइड रखते हुए चलिए ये शुरू करते हैं। आपको बता दें, केट शॉर्टलैंड ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और जैक और नेट बेंसन ने इसको मिलकर कहानी को लिखा है, लेकिन स्क्रीन प्ले को एरिक पियर्सन ने लिखा है। लेकिन यह पूरी मूवी इन कॉमिक बुक पे बेस्ड है, जैसे स्टैनली की कॉमिक बुक, डॉन हैक की कॉमिक बुक और डॉन जिको की भी कॉमिक बुक। इसमें हमें कई नए कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे, जिसमें मेलिना भी देखने को मिलेंगी, येलेना बेलोवा भी देखने को मिलेंगे और रेड गार्डियन भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही हम बता दें, इसमें ड्रेकोव भी देखने को मिलेंगे जो टास्क मास्टर का एक सोल्जर होता है, जो सुपरवाइजर एक तरीके से कर सकते हैं या सुपीरियर है, मतलब उसका साथी है। आगे हम बता दें कि इस मूवी में हमें बचपन का रोल भी देखने को मिलेगा नताशा रमनोफ और साथ ही येलेना बेलोवा का, मतलब दोनों बचपन से ही एक तरीके से दोस्त होते हैं। आगे की बात करें तो अब ब्रेकडाउन हम लोग करने जा रहे हैं इस ट्रेलर की। ट्रेलर के शुरुआत में ही हमें स्कारलेट देखने को मिलते हैं, जो कहते हैं कि आपको बहुत दिन से इंतज़ार था इस न्यू लुक का, तो एंजॉय करिए इस लुक को। फिर उसके बाद हमें जस्ट दिखाई देता है मार्वल का लोगो जो पूरे रेड कलर में ढका होता है, जैसे कि हम मान सकते हैं कि ये ब्लैक विडो के लिए स्पेशली ऐसा किया गया है। आगे हमें ब्लैक विडो दिखाई देती है, जहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए हेलीकॉप्टर और बहुत सारे जंग में टूटे ग्रस्त सामान हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे सामने से गाड़ियों से लोग आते हुए दिखते हैं, जिसका मतलब यही होता है कि कोई जंग खत्म हुआ था, जहाँ पे रमनोफ अकेले बच जाती है और उसे पुलिस वाले आके घेर लेते हैं, जहाँ पे बैकग्राउंड में हमें आवाज़ सुनाई भी देता है कि बहुत हुआ पास्ट से भागना। आगे हम बात करेंगे तो एक शीशे में हमें रमनोफ दिखती है, जहाँ पे उसके शीशे में बैकग्राउंड में देखा जाए तो कुछ बच्चे डांस करते हुए दिखते हैं, जहाँ पर वो शायद अपने बचपन को याद करती है कि कैसे वो बंदूक चलाना सीखी थी। फिर उसी के बाद जस्ट हमें दिखाया जाता है कि वो एक स्पाई होती है, एवेंजर भी बने होते हैं। तो इससे यही मतलब निकलता है कि ये कहानी जो दिखाने वाला है, ये पास्ट तो दिखाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये एवेंजर के बनने के बाद की भी एक स्टोरी लाइन को भी दिखाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि एंड गेम के बाद जो वो मर गई उसके बाद का दिखाएगा, ऐसा नहीं है। उससे पहले और एवेंजर बनने के बाद भी इसने कितने सारे युद्ध लड़े वो भी दिखाएगा और इसके पास्ट को भी दिखाएगा। साथ ही हमें फिर दिखाया जाता है रेड गार्डियन, जो बूढ़ा सा आदमी रेड ड्रेस में दिखता है वो रेड गार्डियन है, जो आज तक अभी भी कॉमिक बुक से बाहर किसी फिल्म में नहीं देखने को मिला है, मतलब इसी मूवी में हमें देखने को मिलता है। फिर एक सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे घर को चारों तरफ से आर्मी वाले हेलीकॉप्टर घेरे होते हैं। ये सीन हमें याद दिलाता है जब पहली बार रमनोफ मिलने गई थी ब्रूस बैनर से इंडिया में, तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सीन दिखता है। लेकिन ये हो सकता है कि रमनोफ अपने दोस्त से मिलने गई हो और टास्क मास्टर लोग उस पर हमला कर देते हो। फिर कुछ बच्चे हमें ट्रेनिंग करते हुए बंदूक में दिखाई देते हैं और ब्लैक ड्रेस में, जिसका मतलब ये होता है कि ब्लैक विडो जैसे कई सारे स्पाई को ट्रेन किया जाता था, जहाँ पर बैकग्राउंड आप देख सकते हैं जो ज़मीन है रेड कलर का है। और आगे हम दिखाया जाता है टास्क मास्टर, जो टास्क मास्टर अपना तलवार से हमला करता है। एक तरीके से टास्क मास्टर की खासियत बता दें तो वो किसी के भी हुनर को कॉपी कर सकता है इजीली तरीके से। फिर हमें रेड गार्डियन दिखाई देता है, जो शायद एक हवाई जहाज़ है, जहाँ पर से वो एक शील्ड उठा कर फेंकता है। हाँ, पूरा बैकग्राउंड देखने से तो वो हवाई जहाज ही जैसे एकदम पूरा लुक देखने को मिलता है। फिर वहाँ पर उसकी दोस्त दिखाई देती है रमनोफ की, जो कुछ लकड़ी जैसा जोड़कर कूद जाती है। शायद ये शायद होगा कि हवाई जहाज़ से कूदने का सीन होगा या किसी बिल्डिंग से जो टूट रहा हो। आगे हम बता दें कि जहाँ पर गाड़ी पर शायद हमला कर देता है टास्क मास्टर, उसमें से रमनोफ निकल के बंदूक चलाने लगती है, जहाँ पर वो दिल से टास्क मास्टर उस बंदूक के वार को रोकते हुए दिखाई देता है। अब ये शील्ड किस चीज़ का बना है ये तो अभी फिक्स नहीं है, शायद ये भी वाइब्रेनियम का बना हो। फिर वहाँ पे हमें आगे के सीन में दिखाई देते हैं कि रमनोफ के पीछे बम ब्लास्ट होता है, जहाँ पे वो कोई तार जैसा चीज़ पीठ से छुड़ा के आगे भागते हुए दिखती है, मतलब इससे ये जाहिर होता है कि वो आसमान से हेलीकॉप्टर के थ्रू तार के थ्रू नीचे ज़मीन पर आई थी, और जिसका तार वो फिर बाद में पीठ पर से छुड़ा लेती है। फिर आगे हमें दिखाई देते हैं कि रमनोफ की दोस्त एक मिसाइल रॉकेट फायर करती है, जो एक बिल्डिंग को ब्लास्ट करता है। पूरा बैकग्राउंड अगर देखें
तो बर्फीला इलाका दिख रहा है, जहाँ पे हम मान सकते हैं कि टास्क मास्टर कोई बड़ा आतंक प्लान कर रहा होगा, जिसको रोकने के लिए ये लोग गए रहते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है एक बाइक रन, जहाँ पे वो बंदूक से कोई फायरिंग करते हैं। अब इस हेलमेट पहने हुए लड़की में बात की जाए तो रेमनोफ है कि कौन है ये फिक्स नहीं हो पाया। फिर रेमनोफ दिखती है गाड़ी के अंदर अपने दोस्त से बात करते हुए, और टास्क मास्टर एक तीर चलाता है, जहाँ पर वो गाड़ी पलट जाता है, ब्लास्ट होकर वो गाड़ी पलट जाता है। बार या कहा जाए तो घर हो सकता है, जहाँ पर रेमनोफ अपने साथी से बात करते हुए नज़र आती है। फिर आगे हमें हवाई जहाज फूटते हुए दिखते हैं, जहाँ से गिरते हुए दिखती है हमें रेमनोफ। बात करेंगे आगे, हमें फिर से दिखाया जाता है रेड कलर का सीन, जहाँ पर आते हुए दिखती है ब्लैक विडो। अब ये बात करें तो ये जो लोगो और एंडिंग बनाया गया है, जो लास्ट में ब्लैक विडो लिख के आता है ब्लैक ड्रेस में आते हुए रेड लाइट में, ये एंडिंग बहुत धासु बनाया है। और साथ ही कहा जाए तो इसका जो क्या कहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये भी कमाल का है, जिसकी वजह से ये लोगो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आगे बात करें, आपको इस वीडियो में ज़रा सभी कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। एंड थैंक यू, बाय बाय।